तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता, और आज इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट अरमान मेरे साथ बने हुए हैं। एंड ओवरऑल जिस तरह का मूड माहौल लग रहा है, कल तो ऑलमोस्ट 20,000 टच होते होते रह गया अरमान। बिल्कुल 20,000 टच होते होते रह गया, और हम काफ़ी बुलिश भी साउंड कर रहे थे, और शायद यही हम दिक्कत हो गई शायद। देखिए, ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं अरमान, ऐसा ही कि बड़ा इंडिकेशंस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो 18,887 का लेवल था, एक पॉइंट से हम लोग भी मिस करते हुए नजर आए थे, और उसके बाद आप देखिए किस तरह की तेजी आती हुई दिखी है। तो आप मेरा इशारा शायद समझ पा रहे हैं कि 20,000 छूते ही उसके बाद क्या होगा, वो एक्चुअली कल्पना करना तो मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं अगर अच्छा हो जाता है ऐसा तो अपने आप में वो काफी बेहतरीन रहेगा। एक और चीज इंटरेस्टिंग होगी कि मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि आज एक निफ्टी के लिए आज एक लिटमस टेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये जो गाइडेंस जो घटाते हुए दिखे इंफोसिस के, उसके बाद भी अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो फिर मुझे नहीं पता कि जैसा कि आपने कहा, कल्पना करना मुश्किल है कि निफ्टी कहाँ पर जा सकता है। बिल्कुल, बट जो गाइडेंस घटाया है ना अरमान, वो एक्चुअली सोच के परे है। नहीं समझ पा रहे थे कि इन्फोसिस ने इतना बड़ा गाइडेंस कट क्यों किया है, पर कहीं ना कहीं उसका जो ADR में कल रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आया, वो इस चीज़ को साफ तौर पर बयान कर रहा है कि यहाँ पर दिक्कतें तो है। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट के बाद सबसे बड़ी गिरावट ऐसा कुछ था ADR में, तो कोई डाउट नहीं है अरमान ने। इनफैक्ट कल ही आप देखिए, ऑलमोस्ट 9.7% तक की इंटरडे गिरावट हमें इंफोसिस के ADR पर आती हुई नजर आई। 4-7% का कॉन्स्टेंट करेंसी आय ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रहा था स्ट्रीट। तो आप देख लीजिए, लोअर एंड पे जब हम 4% का अनुमान लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले 1-3% तक का कॉन्स्टेंट करेंसी आय ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया FY24 के लिए, तो वो क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा आती हुई नहीं नजर आएगी। तो ये एक थोड़ा सा बहुत ही सरप्राइजिंग था इनके नंबर्स में, क्योंकि ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे ना इन्फोसिस के, तो तिमाही आधार पर बहुत ज्यादा खराब वहां पर नंबर पे नहीं थे, पर जिस तरह से ADR रिएक्ट किया ना, वो केवल और केवल गाइडेंस कट जो हुआ है ना, उसके बेसिस पर होता हुआ दिख रहा था। बट बहरहाल FIIs की तरफ से खरीदारी कल के दिन में भी जारी थी, 3,300 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में वहाँ पर आपको खरीदारी भी होती हुई दिखी। और अभी अब यही देखना है कि गिफ्ट निफ्टी जिस तरह की इंडिकेशंस दिखा रहा है, सॉन्ग नीचे जो है अभी कारोबार होता हुआ दिख रहा है, इम्प्लीकेशंस यही है कि हमारे बाजारों में थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस है, पर हमारे बाजार जैसे कि अरमान आप बता रहे थे कि उस चीज़ को निगेट करते हुए अगर वापस हरे निशान में लौटते हुए नजर आते हैं, तो वो अपने आप में काफ़ी शानदार रहेगा। कि तो जो सपोर्ट है अलग अलग हो सकता है, कि IT को छोड़ मेटल्स हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल बैंकिंग स्पेस हो गया, वहाँ से आपको हो सकता है कि सपोर्ट आता हुआ भी नज़र आए। तो चलिए, जो सेटअप दिख रहा है, अगर आप एक बारी अमेरिकी बाजारों पर भी नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर से भी मिले जुले संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। खासकर डाउ जोन्स आप देखिए लगातार तेज़ी बनाता हुआ नज़र आ रहा है, पर नैसडेक पर कल जो भारी बिकवाली हुई है, आप देखना होगा कि इसका जो इम्पैक्ट है हमारे भारतीय बाजारों पर किस तरह से आता हुआ नज़र आता है। बट कहीं ना कहीं मिले जुले सेटअप है ग्लोबल स्तरों के हिसाब से, पर हमारे यहाँ पर जो अर्निंग्स में जो रिएक्शंस आते हुए दिख रहे हैं, उसका आपको क्लियर कट ये असर आता हुआ दिखेगा। और अब हम तो फाइनल जो मंथली एक्सपायरी है उसके फाइनल वीक में भी पहुंच चुके हैं, तो ये इसका भी इंडिकेशंस आपको देखना होगा कि बाजार इस चीज़ को, इस क्यू को कैसे आगे लेकर चलता है। तो चलिए, सभी संकेत जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, उसके बीच हमारे जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है, उस पर अब फोकस कर लेते हैं, और पारी की शुरुआत करते हैं कैश मार्केट के जो स्टॉक्स हमने चुने हैं उसके साथ। तो अरमान, आप ही सबसे पहले बताइए कि कैश में आपने कौन सा स्टॉक चुना। देखिए, कैश में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर आप देखें कि नतीजे आपको अच्छे आते हुए दिखे, अच्छे भी नहीं, आपको बढ़िया आते हुए दिखे नतीजे, मुनाफा लगभग 107% के आसपास बढ़ा है, NIM लगभग 16% के आसपास की ग्रोथ है, नेट NPA जो है वहाँ पर भी आपको थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, 1.7% से गिरकर लगभग 1.58% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और प्रोविजंस देखें तो प्रोविजंस में भी यहाँ पर लगभग जो है 39% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी है। तो आप सभी पैमानों पर अगर आप देखें तो नतीजे आपको कंपेरेटिवली बढ़िया दिख रहे हैं, और ये अगर आप इस तरीके के नतीजे आते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो मूवमेंट है वो अच्छा आता हुआ दिखे। इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 89.5 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 86 का। बिल्कुल, तो चलिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। इनफैक्ट हम सरकारी बैंकों पर तो लगातार फोकस में बता ही रहे हैं आपको कि यहाँ पर नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आए थे, उसके बाद हमने देखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी काफ़ी अच्छे आउट परफॉर्मिंग नंबर आते हुए दिखे थे, और अब आप यूनियन बैंक देखिए यहाँ पर भी अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, इसी बेसिस पर कैश मार्केट में अरमान की तरफ से आ रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर, मेरी तरफ से आपको खरीदारी करनी है NBCC के काउंटर में। दरअसल ये जो इन्होंने बिजनेस अपडेट दिया अपना, जो मंथली
आधार पर ये देते हुए नजर आते हैं। तो जून महीने में कंपनी ने अपडेट किया है कि 154 करोड़ रुपए के इनको कुल ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो एक अच्छा अपडेट मुझे लग रहा है कि NBCC की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। उस वजह से वैसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस तरह के जब अपडेट आते हैं तो थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मूव के लिए हो सकता है कि NBCC में आज आपको अच्छी खरीदारी देखने को मिले। तो 41.5 के आसपास की प्राइसिंग रही है। टारगेट आपको बनाना है 43 रुपए का, 40.5 आपको रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, चलिए कैश मार्केट की तो अरमान बात हो गई है, अब आगे बात करते हैं डेरिवेटिव स्पेस की तरफ। तो डेरिवेटिव स्पेस में मैंने बिकवाली के काउंटर से ही शुरुआत की है और उसमें सबसे पहला कॉल मैंने स्टॉक चुना है परसिस्टेंट सिस्टम्स का। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। वैसे ही कल काफ़ी सारे जो मिड कैप IT कंपनियाँ हैं उनके नंबर्स आते हुए दिखे, तो नंबर्स के लिहाज से तो कमजोरी क्लियर कट इसमें इस काउंटर पे भी दिख रही है। और ऑब्वियसली जो इन्फोसिस की तरफ से बड़ा गाइडेंस कट होता हुआ दिखा है, 1 से 3.5% का जो कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में वो गाइडेंस कट करते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तो गिरावट एनी विच वेज एक्सपेक्टेड है। बट आप नंबर्स के लिहाज से देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स में, यहाँ पर आपको जो कामकाजी मुनाफा है, जो मार्जिन्स है, 12.9% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है और 15.5% का जो है मार्केट में अनुमान लगाकर चल रहे थे। मुनाफे के लिहाज से भी 229 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आया है और जो एस्टिमेट था स्ट्रीट का 270 करोड़ रुपए का था। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अब आगे एक्सपेक्टेशंस ये लग रही है कि भारत में इनका जितने भी एम्प्लॉई बेस है उसको लेकर एक थोड़ी सी चिंता बन सकती है आगे आने वाले समय में, क्योंकि जो और इनके ग्लोबल प्लेयर्स हैं जिनके यहाँ पर भारत में डिलीवरी सेंटर्स हैं वो अपनी हायरिंग बहुत अग्रेसिव बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो जो क्लाइंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि उनके खर्चे कम हो जाए और उस खर्चों को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर बाकी जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं अपनी हायरिंग अगर बढ़ाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके मार्जिन्स पर नहीं आएगा, क्योंकि करेंसी का भी बड़ा फैक्टर उनके लिए बनता हुआ नज़र आता है। तो जो हायरिंग है खासकर स्पेशलाइज्ड डिजिटल इंजीनियरिंग वाले जो वर्टिकल्स हैं उसको लेकर यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स की जो ओवरऑल अभी सेटअप बना हुआ है, जो ग्लोबल पीयर्स हैं वो अगर अपनी हायरिंग डबल कर लेते हैं अगले आगे आने वाले 3 सालों में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट इनके भी आपको मार्जिन्स पर आता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो औसतन जो आय है, औसतन जो वेतन है उसको अगर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अपसाइड के हिसाब से मार्केट में लेकर आते हैं कि भाई हम एम्प्लॉयज़ को हम और ज़्यादा वेतन दे देंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर परसिस्टेंट सिस्टम्स का भी वेज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि इनके मार्जिन पर भी आपको आगे आने वाले समय में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से परसिस्टेंट सिस्टम्स मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली आपको कर चलनी चाहिए। नंबर्स तो खराब है ही, साथ ही जो और दूसरी नोट मैंने आपको बताई उसकी वजह से यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक लिया है जिसका जिक्र हमने ऑलरेडी जब स्टार्ट किया था ट्रेजरी तभी कर दिया था, वो है इन्फोसिस। और यहाँ पर अब देखना होगा कि हालांकि ये कितना नीचे खुलता है, पर अगर फिर भी देखें क्योंकि जो चीज़ें निकल के आती हुई दिखी हैं, आप FY24 का अगर आप देखें जो CC रेवेन्यू गाइडेंस है 4 से 7% का, वो अगर आप 1 से 3.5%, मतलब आप लगभग 50% से भी ज़्यादा तो लोअर बेस से वहाँ पर गिरावट आती हुई दिखी है। और ये काफ़ी एक, क्योंकि एक इन्फोसिस एक दिग्गज कंपनी है और उनकी तरफ से अगर ये गाइडेंस आता है तो ये पूरे एक IT सेक्टर के लिए एक सेंटीमेंटली आपको दिखता है कि आप अगर देखें कि सेंटीमेंटली किस हिसाब से वो फोर्सी कर रहे हैं, उस हिसाब से पूरे IT सेक्टर के लिए एक जो है ये पॉइंट ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपको दिक्कतें जो है कंपेरेटिवली दिख सकती है। और रिसेंटली कुछ रिजल्ट्स जो आए जहाँ पर कुछ अच्छे भी आए, मैं वहाँ पर कोशिश कर रहा था उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में गाइडेंस देखने के लिए जिन IT कंपनी के अच्छे नतीजे आए हैं, पर वहाँ पे मुझे गाइडेंस में उन्होंने FY24 का किसी ने गाइडेंस मुझे कंपेरेटिवली जो देखा है वो ऐसा रोबस्ट गाइडेंस आता हुआ नहीं दिखा है। तो वो भी एक थोड़ी बहुत जो है दिक्कत जता रहा है कि शायद हो सकता है IT सेक्टर में, जो पहले हम शायद 1-1.5 साल पहले से शायद इस चीज़ को बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है, पर वो हर बार जब भी हम सोचते हैं ऐसा नहीं हुआ, पर इस बार शायद अनुमान इतना ऐसा का नहीं था तो ये चीज़ आती हुई दिखी है। और हो सकता है क्योंकि एक जो मार्केट में आप हमेशा बोलते हैं कि जिस चीज़ को आपने प्रेडिक्ट नहीं करा और वो हो जाए तो वो ज़्यादा दिक्कत देता है, और शायद हो सकता है इसीलिए जो है IT सेक्टर में ही पूरी आपको आज दिक्कत दिख सकती है। इसलिए इन्फोसिस का फ्यूचर जो है वो सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 1390 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 1462 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है LNT, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर खबर क्या आई है, खबर ये आई है कि ये जो है नतीजों पर 25 जुलाई को नतीजों के साथ साथ बायबैक पर जो है वहाँ पर विचार करने वाले हैं। और इतनी दिग्गज कंपनी अगर आपको बायबैक की चीज़ लेके आती है तो मतलब आपको ये समझ में आता है कि कंपेरेटिवली उनका कितना जो है वहाँ पर कन्विक्शन है। उस हिसाब से LNT एक बढ़िया बेट बन जाता है। इनकी ऑर्डर बुक देख लीजिए आप, ऑर्डर बुक तो खैर आप
ऑर्डर बुक तो देख ही जाए, मतलब जीरो काउंट करना मुश्किल हो जाता है कि कितनी बड़ी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है इनके पास। और अगर आप देखें कि अगर आप देश पे, इंडिया पे अगर आप बुलिश हैं, तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर वो आपको साथ में लेके चलना ही है, और उसमें ये एक बढ़िया कंपनी जो है वो बन जाती है। इसलिए यहां पर जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करेंगे 2500 का, जो आपको 30.5 का मिल रहा है। टारगेट रखेंगे 40 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 27 का। बिल्कुल, तो L&T यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। एक्चुअली जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है, जो खबर आती हुई दिख रही है, वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। माफ़ कीजिएगा। तो चलिए इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस कैटेगरी की तरफ। और मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यहाँ पर खरीदारी करके चलना है आपको। नंबर्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, खासकर अगर आप देखें तो जिस तरह से आए है 2131 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले लगभग 2172 करोड़ रुपये ये कंपनी ने आय दर्ज की है। कामकाजी मुनाफा भी कंपनी का बहुत ही बेहतरीन आया है, 290 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 385 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन्स बेहतरीन तरीके से बढ़ के आए हैं, 12.3% से 17.7%, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 22% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नंबर्स हर एक पैरामीटर पर काफ़ी बेहतरीन है। खरीदारी करके चलिए, 980 रुपए का कॉल ऑप्शन 22 रुपए पर, 42 रुपए का आपको यहाँ पर टारगेट रखना है, 14 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। अब बात आती है टेक्निकल स्टॉक पे। टेक्निकल के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है, अगर आप देखें ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस से जो स्टॉक को चुना है, और स्टॉक का नाम है ICICI लोम्बार्ड। क्योंकि अगर आप देखें ओवरऑल इनका टेक्निकल चार्ट अगर आप देखें, तो आपको अच्छी खासी जो है आपको ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और अगर आप देखें कल के सत्र में भी अगर आप देखें, तो यहाँ पर लगभग आपको जो है पॉजिटिव के आसपास ही वहाँ पर बंद होता हुआ दिखा था। और कुछ समय से अगर आप देखें जो यहाँ पर रैली है वो आपको अच्छी खासी दिख रही है। और अगर आप देखें यहाँ पर कि इस स्पेस में धीरे धीरे कुछ समय से आप देखेंगे कि सभी कंपनियाँ जो है वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखी, और यहाँ पर ये स्टॉक जो है चार्ट में कंपेरेटिवली काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस हिसाब से ICICI लोम्बार्ड को खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 1442 का, ये मैं कैश स्पेस की बात कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1384 का। कुशल, आप क्या ले रहे हैं टेक्निकल? बिल्कुल अरमान, तो काफ़ी बेहतरीन पिक आपने टेक्निकल चार्ट्स पर ICICI लोम्बार्ड चूज़ किया है। मेरी तरफ से टेक्नो पिक में है ICICI बैंक का काउंटर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग स्पेस ही एक आज ऐसा हो सकता है कि जो एक बड़ा सपोर्ट निकल कर आया है पूरे के पूरे ओवरऑल बाजार के हिसाब से, और ये चीज़ हमने कल भी होती हुई दिखी थी। इनफैक्ट कल आप देखिए ऑलमोस्ट 2-2.5% की दमदार तेज़ी के साथ लगातार धीरे धीरे अच्छी एक्यूमुलेशन यहाँ पर कल इसके चार्ट पर देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जिस तरह का चार्ट मूवमेंट इसका कल का बना है वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है। ऑलमोस्ट जो इसका प्राइस है वो अब 1000 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो 1030 रुपये ये आज के लिए टारगेट बनाकर चलिए, आज भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 982 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए टेक्नो पिक भी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक्स चुने हैं। तो फंडा पिक में मुझे समझ आ रहा है M&M का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। फंडामेंटल्स तो ऑफकोर्स हमने कई बार इस पर बात की है, लगातार जिस तरह से यहाँ पर कंपनी का SUV पोर्टफोलियो है उस पर तो बड़ा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखता है। पर साथ ही एक और अच्छी खबर इनके लिए भी डेवलप होती दिखी है कल के दिन में ही, जहाँ पर इन्होंने बताया है सर्कुलर के जरिए कि यहाँ पर जो रॉक्सर नाम की ऑफ रोड व्हीकल है US में जो ये बनाते हैं, वहाँ पर जो इनकी सब्सिडियरी बनाती है उसको US कोर्ट से राहत मिल गई है प्रोड्यूस करने की और अमेरिकन मार्केट में इसको बेचने की। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट पहले ये बना हुआ था कि जो फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल है उन्होंने ट्रेड डिज़ाइन को लेकर कुछ इश्यूज रेज किए थे कोर्ट में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये चीज़ अटकी पड़ी थी। पर एक जो ओवरहैंग है रॉक्सर के ऊपर से वो अब हट चुका है M&M के लिए। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। बट बहरहाल आपको यहाँ पर इंट्राडे के लिए प्ले नहीं करना है, आप 12 महीनों की अवधि के लिए इसको होल्ड कर रखेंगे। तो जिस तरह की तेज़ी 1100-1200 रुपये के लेवल से अब आप देखिए ऑलमोस्ट 1500 के पार पहुँचता हुआ दिख रहा है M&M, और भी फर्दर तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। तो टारगेट रिवाइज करके आपको 1600 रुपये से 1800 रुपये के मैं दे रहा हूँ M&M, खरीदारी करके चलें। देखिए फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है आनंद राठी वेल्थ, और इसको मैंने 650 के आसपास आपको दिया था। ऑलरेडी टारगेट अच्छे खासे अचीव हो गए, जो रिवाइज टारगेट दिए थे 1000 के वो भी टारगेट रिवाइज हो चुके हैं। बट कुछ कंपनियां आपको ऐसी मिलती हैं जहां
यहाँ पर अगर आप देखें कि जो आप क्योंकि हर बार आप टारगेट रिवाइज किस हिसाब से करते हैं, ऐसा नहीं कि टारगेट अचीव हो गया तो आप ऐसे ब्लाइंडली अगर आप देखें तो उसको रिवाइज कर दें। आप मैनेजमेंट को वापस सुनते हैं क्योंकि उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए उसके बाद उनका आउटलुक क्या है, क्योंकि जो अच्छे आए हैं वो तो शेयर्स में ऑलरेडी आ चुका है, पर अब उसके बाद आगे का आउटलुक क्या है। तो कुछ ऐसी कंपनियाँ होती है जिनको आप नतीजों के बाद हर बार अगर आपको लगता है कि ये कंपनियों का जो टारगेट है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी करके रखनी है। अब अगर आपके रिजल्ट जो आए थे वो तो काफ़ी बढ़िया आए थे, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले अगर ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए क्लाइंट एटिरेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके कितने क्लाइंट जो हैं वो आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनका क्लाइंट एटिरेशन अगर आप देखें लेस देन 1% है, मतलब जो इनके साथ जुड़ता है उसमें से 99% या उससे ज़्यादा तो है वो इनके साथ जुड़े रहते हैं। क्लाइंट एटिरेशन की बात हो गई, क्लाइंट लाता कौन है, इनके जो रीजनल मैनेजर्स हैं आरएम्स हैं वो इनके क्लाइंट लाते हैं। तो आरएम्स का अगर आप क्लाइंट एटिरेशन देखेंगे, आरएम्स का खुद का एटिरेशन देखेंगे तो वो 0.67%, वो भी लेस देन 1%। तो जिससे बिजनेस आ रहा है वहां पर बदलाव नहीं हो रहे, लेस देन 1% का एटिरेशन है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि वहां पर जो आरएम्स हैं जो बिजनेस लेके आ रहे हैं, जिसके थ्रू लेके आ रहे हैं, वहां पर भी एटिरेशन आपको लेस देन 1% के आसपास का मिलता है। और मुझे ऐसा मैनेजमेंट, मैंने हर बार बोला है, ऐसा बहुत पसंद है जो हमेशा कंजर्वेटिव टारगेट देता है, गाइडेंस कंजर्वेटिव देता है और हमेशा उसको बीट करता हुआ दिखता है। और आपने न्यूज़ पे भी मैनेजमेंट को सुना, उनका यही कहना है, हर बार जब भी आते हैं वो यही चीज कहते हैं कि हम हमेशा गाइडेंस कंजर्वेटिव ही देना चाहेंगे और उसके बाद उसे मीट करेंगे। और ये लगातार रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का, मतलब आप 100 रुपये डाल रहे हैं अगर तो आपको 41 रुपीज़ जो है वापस मिलते हुए दिख रहे हैं, ऐसी बहुत कम कंपनियां होती है। और HNI की अगर आप फैमिलीज देखें तो 8700 फैमिलीज अभी इनके पास है, और इनकी एक रिपोर्ट में अगर आप अर्निंग्स कॉल में देखेंगे तो लगभग 8 लाख से 10 लाख HNI फैमिलीज है। तो बड़ा टारगेट, उस हिसाब से आनंद राठी वेल्थ यहाँ पर बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 1250 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है HDFC AMC, क्योंकि अगर आप देखें एक तो ये ओवरऑल सेक्टर ही देखें वो काफ़ी बढ़िया है, आपको SIPs के बढ़िया डेटा आता हुआ दिख रहे हैं, AUMs में बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिख रही है, कुल मिला के ये स्पेस ही काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। तो हर बार हर गिरावट में यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का, टारगेट रखेंगे 3000 का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर HDFC AMC पर भी हम लगातार बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और आनंद राठी वेल्थ तो एनी विच वे जर्मान का वन ऑफ द फेवरेट पिक्स है ही। साथ ही चलिए निवेश के लिहाज से HDFC AMC अरमान ने तो बता दिया है, मेरी तरफ से जो निवेश के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है GBM ऑटो, इस पर नज़र रखिए। यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट में तो ऑब्वियसली इनकी बातचात है ही, करीबन 75% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है, बट कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक बसेज ये मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे कंपनी जो है लगातार अपनी ऑर्डर बुक यहाँ पर बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर अलग अलग स्टेट से इनको ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ पर एक अच्छा स्ट्रेंथ है, रेवेन्यू पोटेंशियल है, मार्जिन्स पर भी एक्रेटिव है, और 31 जुलाई को कंपनी नतीजों के साथ साथ सिक्योरिटीज जारी करने पर भी बोर्ड बैठक करने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल्स इनके लिए बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और ऑटो कंपोनेंट्स तो वैसे ही लगातार जैसे OEMs में अच्छा तेज़ी देख रहे हैं उसका फॉलो ऑन मूव आपको तमाम ऑटो एंसिलरी पर भी देखने को मिलेगा। तो JBM ऑटो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, अगले 1 साल में 1700 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों के दम पर, खबरों पे यहाँ पर कोफॉर्ज ये स्टॉक मैंने चुना है अरमान, जहाँ पर हमें बिकवाली करनी है। तो यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम्स मैंने आपको पहले बताया, उसके साथ साथ कोफॉर्ज पर भी भारी बिकवाली आज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, कामकाजी मुनाफा 230 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 315 करोड़ रुपए का था, साथ ही कंपनी की मार्जिन 10.4% आई है, एक्सपेक्टेशंस 14% के मार्जिन की थी। तो कंपनी ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, और कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी 2.7% की आती हुई दिखी है, 3.4% का हमारा अनुमान था। तो हर पैरामीटर पर खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कोफोर्ड से भी, और हालांकि मार्केट आज के दौरान 3:26 पर इसके आंकड़े आए थे, बट इसका रिफ्लेक्शन कल हमें उतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आता हुआ नहीं दिखा है। तो हो सकता है कि आज यहाँ पर और फॉलो ऑन आपको बिकवाली आती हुई दिखे, 4600 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 4825 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है PVR INOX, क्योंकि खबर क्या आई है यहाँ पर बेंगलुरु में देखेंगे 12 स्क्रीन का एक मल्टीप्लेक्स खुलता हुआ दिखा है, फॉरम मॉल में जो है यहाँ पर खुलता हुआ दिखा है, और यू भी अगर आप देखें फ्राइडे फ्लेवर के हिसाब से अगर आप देखें PVR कंपेरेटिवली यहाँ पर आपको इस खबर के चलते भी हो सकता है यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 1492 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1433 का, और ये कैश स्पेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें अब माई चॉइस के अगर हम स्टॉक्स बताएं तो माई चॉइस में जो सबसे पहले स्टॉक्स अगर मैंने लिए हैं, और उसमें से 2 स्टॉक तो वही लिए हैं, IT सेक्टर की कंपनियाँ ली हैं, जिसमें अगर आप सेल करेंगे एम्फेसिस
और बिरला सॉफ्ट, दोनों यहाँ पर अगर आप देखें कुछ समय से आपको जो है तेजी यहाँ पर आती हुई दिख रही है और ये जो इन्फोसिस की घबराई उसके चलते आप दोनों में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। सबसे पहले इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पर विकली करेंगे, टारगेट रखेंगे 2150 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2235 का। और बिरला सॉफ्ट तर्क सिमिलर है, यहाँ पर भी विकली करेंगे, बिरला सॉफ्ट में टारगेट रखेंगे 380 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 397 का। और आखिरी स्टॉक जो मैंने लिया है वो है सीएट, क्योंकि अगर आप देखें Q1 के जो अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं शेयर होल्डिंग के, वहाँ पर आपको FII FPIs की जो हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है लगभग 23.3% से बढ़कर 26% के आसपास आती हुई दिखी है। उसके चलते हो सकता है ये जो मोमेंटम है वो आपको कंटिन्यू आता हुआ दिखे और लगातार जो है तेजी यहाँ पर जारी है। उस हिसाब से सीएट में करेंगे खरीदारी, टारगेट रखेंगे 2560 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2450 का। बिल्कुल, तो चलिए सीएट में यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। माई चॉइस कैटेगरी में मेरा एक बिकवाली और दो खरीदारी का कॉल है, डालमिया भारत बिकवाली कर चलिए। नंबर्स अनुमान से काफ़ी कमजोर आते हुए दिखे हैं, खासकर ऑपरेशनल लिहाज से 19% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, 16.8% के मार्जिन आए हैं, साथ ही मुनाफा भी 257 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 144 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। तो बिकवाली करिए, 1960 रुपये के टारगेट के लिए 2050 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है SBI पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है, कल के में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, 630 रुपए का टारगेट यहां पर बनाइए, 600 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक पर, जिस तरह का मूव कल इसने भी दिखाया है वो भी काफी शानदार है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक के साथ साथ कोटक महिंद्रा यहां पर भी खरीदारी कीजिए, 2010 के टारगेट रखिए, 1920 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए माई चॉइस में जितने भी स्टॉक्स हैं वो तो हमने आपको विस्तार से बता दिए हैं, पर एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं इन सभी स्टॉक्स का। तो चलिए सबसे पहले कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से काउंटर है NBCC का, और जो इन्होंने मंथली बिजनेस अपडेट दिया है वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स IT स्पेस में आज भारी गिरावट हो सकती है, नंबर्स के लिहाज से भी कमजोरी इसमें देखने को मिली है, इन्फोसिस की तरफ से भी गाइडेंस कट आता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर खरीदारी करिए। ICICI बैंक टेक्निकली मजबूत लग रहा है लंबी अवधि के लिए, फंडा पिक में M&M मुझे पसंद आ रहा है, साथ ही GBM ऑटो पर फोकस करके चलिए, इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर बुक काफी अच्छी बन रही है अब, और साथ ही कोफॉर्जा यहां पर भी आंकड़े काफी कमजोर आते हुए दिखे, डालमिया भारत भी बिकवाली कर चलिए। SBI और कोटक अच्छे लग रहे हैं, बैंकिंग स्पेस से खरीदारी कर चल सकते हैं, और इन सब में आज का बेस्ट पिक है JBM ऑटो। अगले एक साल में यहां पर आपको बेहतरीन जो है 1700 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 300 रुपए की अपसाइड में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं ऑटो एंसिलरी कंपनी में। देखिए कर लेते हैं रिकैप, कैश में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे जो बढ़िया नतीजा है, फ्यूचर्स में इन्फोसिस में बिकवाली करेंगे जो गाइडेंस बड़ी कटौती आती हुई दिखी है, ऑप्शंस के हिसाब से L&T में करेंगे खरीदारी, टेक्निकली ICICI लोम्बार्ड बढ़िया लग रहा है, फंडामेंटली आनंद राठी वेल्थ हमेशा की तरह बढ़िया है ही सही, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से HDFC AMC जो जिस सेक्टर में वो काफी बढ़िया है, खबरों के हिसाब से PVR INOX में खरीदारी करेंगे, माई चॉइस में एम्फेसिस और बिरला सॉफ्ट दोनों में बिकवाली करेंगे, और सीएट में करेंगे खरीदारी, FPI जो हिस्सेदारी बढ़ाई है। और इन सब में अगर जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है आनंद राठी वेल्थ, क्योंकि क्वालिटी प्रमोटर, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी बिजनेस अगर आपको मिल जाए वो सबसे बेस्ट पिक हो जाता है। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो हमने आपको रिकैप कर बता दिया है, पर आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है उसके लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु में सर जुड़े हुए हैं, दीपांशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल मूड माहौल आज थोड़ा इम्पैक्ट आपको आते हुए दिख रहा है नतीजों के दम पर, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहेगा। कल वैसे हमने देखा छठे दिन लगातार बाजार में तेजी रही, बट पोस्ट मार्केट ये जो नंबर्स आए हैं अमेरिकी बाजारों में नंबर्स का रिएक्शन रहा है, हमारे बाजार कौन सी चाल पकड़ेंगे, मंथली एक्सपायरी पर भी अब नजर बन रही है तो उसका भी एक्शन आ सकता है। आइए करते हैं शुरुआत वीकेंड सेशन की शेयर बाजार लाइव की।